अगर हमारे पास मोमेंट्स अबाउट सम सर्टन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 गिवन है, कोई आर्बिट्ररी वैल्यू, अगर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें, जैसे कि हमने ये पिछले लेक्चर में फाइंड आउट किए थे एम वन प्राइम 0.06, एम टू प्राइम 2.64, एम थ्री प्राइम 0.56 एंड एम फोर प्राइम 28.38। तो ये चार मोमेंट्स अबाउट एंड आर्बिट्रेरी वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर लिए थे मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 10। अब अगर हमें मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं तो ये हमारे पास ना कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे और मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट कर लेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है इसमें देखें सबके ऊपर एम वन प्राइम एम टू इनके ऊपर प्राइम आ रहा होता है, और यहाँ पे जब मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मोमेंट अबाउट मीन जो फर्स्ट वाला है वो ज़ीरो ही होता है, सेकंड वाला जो है वो इक्वल होता है एम टू प्राइम माइनस एम वन प्राइम होल स्क्वायर। अब एम टू प्राइम की वैल्यू ये आपके पास 2.64 है, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, एम वन प्राइम की वैल्यू 0.06 है, इसका स्क्वायर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया जब तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एम टू प्राइम की। सिमिलरली एम थ्री प्राइम का ये फॉर्मूला है, ठीक है, एम प्राइम एम थ्री प्राइम माइनस थ्री एम टू प्राइम एम वन प्राइम प्लस टू एम वन प्राइम रेस्ट पावर थ्री, इसमें आपने ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर दी है, एम वन प्राइम की वैल्यू, एम टू प्राइम की वैल्यू, एम थ्री प्राइम की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये 0.08 आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास फॉर्मूला था एम फोर का और ये उसका एक्सप्रेशन है, रिलेटेड वैल्यूज हमने इसमें रिप्लेस की हैं और सिंप्लीफाई कर दी है तो हमारे पास आंसर आएगा 28.30। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे अबाउट 10 गिवन थे, तो आपने क्या किया, ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत आसान है, आसानी से आप मालूम कर सकते हो।